Hey guys, welcome to a new video. My name is Mayank and I hope you guys are doing absolutely fine. और अगर fine नहीं है तो अब सब fine हो जाएगा, क्योंकि हम आज आए हैं महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में और भोले बाबा के दर्शन करते ही सब ठीक हो जाएगा। तभी मैंने आज थोड़ी ट्रेडिशनल टी शर्ट पहनी है गणेश जी की, क्योंकि इनके पिताजी के यहीं जा रहे हैं हम, तो आई थिंक मुझे लगा कि ये टी शर्ट पहनना बनता है आज। सो बहुत टाइम से प्लान कर रहा था यहाँ आने का, बट हो नहीं पा रहा था, बट आज फाइनली वो मौका आ गया है। सो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं यहाँ आ गया हूँ फाइनली। सो अभी मैं अपनी जर्नी उज्जैन से स्टार्ट कर रहा हूँ। हम बहुत सारी जगह जाने वाले हैं, बहुत लंबी जर्नी होने वाली है, काफ़ी मज़ा आएगा। वीडियो एंड तक देखना, काफ़ी फन होने वाला है इस वीडियो में और आने वाली वीडियोज़ में। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली मंदिर की जस्ट पास में ही होटल लिया है। सो अभी बस यहाँ से नीचे वॉक करते करते हम जाएंगे और सामने मंदिर और दर्शन करेंगे। मुझे पता था यहाँ गर्मी होने वाली है, तभी मैं हाफ स्लीव पहन के आया हूँ। यहाँ पे दिल्ली ज़्यादा गर्मी है इस टाइम। बड़ी फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ मिल रही हैं यहाँ तो। ये वाला रास्ता जाता है मंदिर के लिए, यहाँ से 5 मिनट की वॉक है, तो हम वॉक करके पहुँच जाएंगे फटाफट। देखो जाम लगा हुआ है पूरा। अभी सुबह लगाया था। भीड़ होगी अभी खाली। अच्छा लग रहा है आपने पहले बोलो, सुंदर लग रहा है। आंटी कहती हैंडसम लग रहे हो, पूरा प्रॉपर इंग्लिश वाला वर्ड बोला आंटी ने। तो यूजली बोलते ना सुंदर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, ऐसा नहीं, यार हैंडसम लग रहे हो। चलो भाई, जय बाबा भोलेनाथ का नाम लेके चलते हैं आगे। अच्छा स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है ये, हल्दी का पानी होता है ना, तो सही रहता है ये फेशियल करने के लिए। देखो जरा सा मंदिर के सामने घुसो नहीं, प्रसाद ले लो, चप्पलें खोल दो, यहाँ से ये ले लो, चढ़ता कुछ नहीं ढंग से धक्का मुक्की में। लेकिन है नहीं, क्योंकि मैं और भी ज्योतिर्लिंग में गया हूँ तो मुझे पता है ना, लेकिन ज़रा सा भी चल नहीं देते, ये बात ही नहीं करने दे रहे आपसे। सो ये है सामने मंदिर, एंट्री ले ली है हमने यहाँ से। बाहर भी अच्छी काफ़ी भीड़ है, देखो यहाँ जगह जगह अनाउंसमेंट हो रही है कि वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और जिसको पकड़ लिया फ़ोन सीधा छीन लेंगे, तो इसलिए हम भी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, रिस्पेक्ट करेंगे यहाँ की और कम कम ही शूट करेंगे। ये मना किया है तो माननी चाहिए ना बात। शिवलिंग के पहले विजुअल्स देख लिए हमने, सामने कैमरा लगा हुआ है तो इससे दिख रहा है अंदर का। भाई मंदिर यहाँ से है 5-10 मिनट वॉकिंग। तो अभी मंदिर के अंदर आ गए हम, एक लॉन्ग सा पाथ बना रखा जाने के लिए, क्योंकि यहाँ भीड़ काफ़ी हो जाती है ना, तो उस हिसाब से सही कर रखा है ताकि लोग चलते रहें, एक जगह खड़े ना हो, वरना भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो मंदिर के अंदर एंटर कर लिया है। बैरिकेडिंग के बीच में डंबल लगा रखा है। इस टाइम थोड़ा खाली खाली था यहाँ के हिसाब से, तो थोड़े 5 मिनट तसल्ली से दर्शन हो गए, वरना तो धक्के देके निकाल लेते हैं, इतनी भीड़ होती है। पहला पुराना वाला टेंपल है, इसमें भी शिवलिंग है, इसके अंदर चलते हैं, बट काफ़ी भीड़ है इसके अंदर। छोटा सा मंदिर है ना, तो घुसने में बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ लिखा है फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और यहाँ देखो प्रोफेशनल कैमरा वगैरह खड़े हैं। तो मंदिर के जस्ट सामने का मंदिर है और ये लक्ष्मी जी का मंदिर है।
बजरंगबली। हनुमान जी शिव जी के 11वें अवतार थे, तो हनुमान जी के दर्शन करना तो मैंडेटरी है ही जब भी शिवजी टेंपल आओ। इस जगह पे धागा बांध रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी बनवा रखा है, तो इसलिए मैं लाइन में नहीं लग रहा, क्योंकि ये भी मैंने बहुत ही प्राचीन मंदिर से बनवाया था, तो इसे अब वहीं जाके खोलेंगे हम। अब चलते हैं बाहर की तरफ, एरिया हमने कवर कर लिया। नंदी महाराज की जय भगवान, जय भगवान। महाराज का छोड़ लिया, दर्शन सफल। मंदिर और बना रहे हैं, इसको और बड़ा कर रहे हैं, तो यहाँ पे चल रही कंस्ट्रक्शन, फिर यहाँ से एंट्री हुआ करेगी। चलो अब हमने दर्शन कर लिए, अब बाहर की तरफ चलते हैं, कुछ खाते हैं, थोड़ा पहले दर्शन करेंगे फिर ही कुछ खाएंगे। मैंने तभी ना फूल वगैरह प्रसाद वगैरह लिया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि पार तो जाने देंगे ही नहीं, चढ़ाएंगे कैसे, वो सारा फिर वापस हमारे पास ही आ जाता है। समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं, कुछ लोकल खाने का मन कर रहा है। तो अब सामने वाले रेस्टोरेंट में आ गया हूँ मैं, और प्रॉपर खाना खाने का मन नहीं कर रहा, तो सोच रहा हूँ कि कुछ परांठा वरांठा खा लूँ। अबे यार भैया ने भी बोला कि परांठा है ही नहीं, भैया कह रहे हैं कि दिन टाइम है ना, तो वो परांठा वरांठा ब्रेकफास्ट वाला आइटम बंद कर दिए, तो अब खाना ही मंगाना पड़ेगा। तो प्रॉपर थाली मंगाई है, तो रायता की तरह लग रहा है, ये आलू की सब्ज़ी, ये मिक्स वेज, ये दाल है, इसमें मैंने चावल डाल लिए अभी खाने के लिए, और साथ में चपाती दी है। पानी की तरह दाल है, अभी को पानी लग रहा, पानी पी रहा हूँ, इतना बड़ा होटल बना रखा है फिर भी। यही नहीं खाया जाएगा, ज़्यादा लग रहा है, और तो क्या ही खाएंगे, यही नहीं खाया जाएगा मेरे से, ज़्यादा तो नहीं लग रहा, टेस्ट बहुत ख़राब है। अब इसके सामने मैंने बोला नहीं, बुरा बन जाएगा बेचारा। तो चलते हैं उज्जैन शहर को कवर करते हैं, यहाँ आसपास बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ जाना बिल्कुल बनता है, तो वहाँ चलते हैं। पहले एक पकड़ते हैं ऑटो और फिर चलते हैं। तो मिल गई है हमारी आज की सवारी, इसमें चलेंगे। तो आज ये वाले भैया हमें लेके जाने वाले हैं घुमाने। भैया कहाँ कहाँ ले जाने वाले हो? मैं पहले आपको लेके चलूँगा सांदीपनी आश्रम, जब भगवान कृष्ण बलराम सुदामा ने पढ़ाई करी थी, उसमें कलाएँ उन्होंने सीखी थी। उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा मंगलनाथ मंदिर, ठीक है, मंगलनाथ मंदिर के बाद मैं आपको ले चलूँगा मैं काल भैरव मंदिर, काल भैरव के बाद में सिद्धवट, उसके बाद में गढ़ काली का शक्तिपीठ, पांच मंदिर की यात्रा में आपको कर लूँगा। और उज्जैन में हमारा उज्जैन के 40 किलोमीटर दूर भोरेश्वर महादेव मंदिर भी है, जिनके दर्शन मात्र से 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन होते हैं। उज्जैन शहर में हमारे इतने मंदिर हैं कि यदि आप 10 दिन भी घूमोगे या कोई गाड़ी करके टैक्सी करके तो भी आप नहीं घूम पाओगे। इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इतना कुछ देखने के लिए, इतना कुछ है। तो चलें फिर, चलो चलिए। नाम क्या है भैया आपका? सतीश। सतीश सही नाम है? नाम तो सही है पर मेरा निकनेम बाली है। बाली, ये है नाम बढ़िया। बाली तुम पे सूट भी करता है, तुमने कानों में बढ़िया बढ़िया बालियां पहनी है। मेरा नाम बाली पड़ा हुआ है। बढ़िया लग रहा है। तो अभी पहले कौन से मंदिर जा रहे हैं? सांदीपनी आश्रम। सांदीपनी आश्रम। तो गाइस ये है हमारा फर्स्ट मंदिर आज का। श्री कृष्ण सुदामा बलराम विदा। सारी समस्याओं इसको संध्या काल में जल में रख के इसका जलघट कर सकते हैं। पंचम रुद्राक्ष 20 का 50 के दिन। मेरे को यहीं से ही मेरे सामने इतना बड़ा कछुआ दिख रहा है, टर्टल पानी के अंदर है। ये सामने इस वाले मंदिर की गैलरी है, तो गैलरी ऐसे स्क्वायर में बनी हुई है। ये कृष्ण और सुदामा, भगवान की बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा पोर्ट्रेल बना रखा है। वो कैसे पढ़ते थे, कैसे काम करते थे आश्रम में, कैसे उन्होंने ज्ञान हासिल किया, सारी पोर्ट्रेल यहाँ पे। तीन डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज लर्न बाय श्री कृष्ण। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि श्री कृष्ण के 14 जो लर्निंग्स थे वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा।
ये है 14 विद्यास ऑफ श्री कृष्ण। उस वेदा के हिसाब से यहाँ पोर्टल ही बना रखा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जगह, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। बड़ी शांति सी है यहाँ पे। आयुर्वेद प्रधान मेरी डील्स विद मेडिसिन हर्ब्स। टीचिंग धन्य शास्त्र, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी। नासा वाले बनते ना हीरो, हमने ये करा, हमने वो करा है, हमारे तो भगवान कब से करते आए हैं ये सब। ये है मेरा फेवरेट म्यूजिक। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत कुछ सीखने वाली जगह है ये। यहाँ पे सारे विदास को दिखाया हुआ है और उनका पोर्ट्रेल भी है, तो मतलब किसी को अगर पढ़ना हो सीखना हो तो आराम से सीख सकता है और देख सकता है। बहुत अच्छा है लॉजिक, ये बहुत लोगों में कमी है आजकल, तो ये तो पढ़ने वाली चीज़ है। उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। कभी कभी इंसान के पास लॉजिक रहता नहीं है, तो वो सीखने वाली चीज़ है। अगर बाई चांस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसको दो में डिवाइड कर दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आप चैनल में जाके देख लेना।